अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान फर्स्ट विद डॉक्टर साद अब्बासी और मैं हूं आपकी होस्ट सोनम। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है पावर्टी। सर, आप क्या समझते हैं पावर्टी क्या है, आखिर आप इसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे? सोनम, मैं पावर्टी को जिस एंगल से देखता हूँ वो एक जो एंगल है बहुत डिफरेंट है। पावर्टी बेसिकली एक माइंडसेट है। हर इंसान जो है वो मेहनत करता है, ठीक है, वो जद्दोजहद करता है, वो अपने पूरी पोटेंशियल लगाता है किसी चीज़ को अचीव करने में, चाहे वो स्टडीज़ हो, चाहे वो उसका वर्कफोर्स हो, जो भी वो जॉब करता है, चाहे कोई भी वो काम करता हो। लेकिन जो ये गुर्बत का जो है, आप उसको कह लें बादल उसके ऊपर घूम रहा होता है, वो बेसिकली उसका माइंडसेट है। अब माइंडसेट जो है वो किस तरीके से जो है वो चेंज करता है कि इंसान अपने इर्द गिर्द की रिसोर्सेज को वो महसूस ही नहीं करता कि आखिर जो रिसोर्सेज कुदरत ने या लोगों ने या एक पूरी दुनिया में ओवरऑल एक्सपेंड हुई हुई है, मैं कितना उसको एक्सप्लोर करके अपनी माशी हालात को सुधार सकता हूँ। तो ये बहुत ही जो टर्म है वो हमारे मुल्क के अंदर, पाकिस्तान को मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो पावर्टी का कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। हर कोई कहता है कि मैं गरीब हूँ। अल्लाह ताला ने हमें हर चीज़ से नवाजा हुआ है, हमारे मुल्क के अंदर हर चीज़ है। आप ये डिनाई नहीं कर सकती कि हमारे पास कोई वसाइल नहीं है, लेकिन जो मेन चीज़ है वो है एक सोचने की सलाहियत। अब सोचने की सलाहियत पर अगर हम बात करें तो बेसिकली सोचने की सलाहियत आपकी जो अपब्रिंगिंग होती है वो हमारे पास बहुत बड़ा एक फ्लॉ है। गुर्बत को जो मेन जो है आपके पूरी जनरेशन पे अफेक्ट करती है, ये कोई अचानक से डेवलप नहीं होती। एक जो आपकी जनरेशन है अगर उस पर इस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ जाए तो वो थ्रू आउट जो है आपके जनरेशन पे जो है वो पड़ता ही रहता है, जब तक उसके अंदर कोई ऐसा इंडिविजुअल आगे खड़ा ना हो जो अपने हालात को ख़ुद बेहतर करने के लिए स्टेप उठाए। और मैं पावर्टी की एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल दे, मैं आपको ये खूबसूरत अल्फाज में डिफ़ाइन करना चाहता हूँ। ये बहुत ही अच्छी एक सेइंग है कि पावर्टी इज़ जस्ट लाइक अ पनिशमेंट, अ क्राइम विच यू डू नॉट कमिट। आपने वो जुर्म किया ही नहीं है जिसकी सज़ाएं आपको मिल रही हैं। क्राइम जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया है हमारे पावर्टी का। आपके पास गुर्बत है, आपके पास जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, आप कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर जो एक बेसिकली प्रॉपर जो चैनल है उसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया जाता। ब्रेन ड्रेन बहुत कॉमन होता जा रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर। काफ़ी जो लोग हैं यहाँ पाकिस्तान से अब्रॉड जा रहे हैं जस्ट बिकॉज फॉर सर्च ऑफ जॉब। वहाँ पे वो जॉब करते हैं तो वहाँ पे ही हमारे काफ़ी अच्छे अच्छे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स वो वहाँ जा के सर्व करते हैं, और इसका हमारे मुल्क को ओवरऑल एक ड्रॉबैक ही हो रहा है। फिर आप ये देख लें कि जो जिनकी ना कैरियर काउंसलिंग हुई हुई है, जो एजुकेटेड ही नहीं है, उनकी स्कूलिंग का बैकग्राउंड सिर्फ इस गुर्बत की वजह से कि उनके माशरी हालात सही नहीं थे, कि वो पूरा उनके घर का स्ट्रक्चर, पूरा उनके घर का स्ट्रक्चर जो वो चेंज हो गया, ठीक है, वो सिर्फ इसकी वजह से कि वो गुर्बत में इतने इंगल्ज हो गए कि हमें सिर्फ क्राइम की तरफ ही जाना है। करप्शन आजकल बहुत एक डिबेट हो रही है, ग्राउंड लेवल से लेके टॉप लेवल तक इंक्वायरीज हो रही हैं। ओवरऑल करप्शन पे जो है वो मौजूदा गवर्नमेंट काम कर रही है। करप्शन की बेस रूट क्या है? जो एक पढ़ा लिखा बंदा भी करप्शन कर रहा है, वाइट कॉलर क्राइम कर रहा है, उसका रीज़न क्या है? उसका सिर्फ रीज़न या तो एक पैसे का हवस है, या वो इतना जो है अपने हालात से तंग आके पैसे की तरफ अट्रैक्ट हो गया है कि वो मुल्क और कौम की तरफ उसकी कोई नज़र ही नहीं है कि हमें आखिर अपनी किसी एक इदारे को, एक मुल्क को, अपनी सोसाइटी को, जो हमारे पास एक नॉलेज है उसको हम किस तरीके से सर्व कर सकते हैं। तो ये बहुत से लूप होल्स हैं जिस पे हमें जो है बैठ के अगर हम सोचें तो ये एक बहुत बड़ा जो है एक सर्किल बन जाता है, जो ओवरऑल इम्पैक्ट ही पावर्टी, उसके कॉजेज ही पावर्टी आते हैं। इसको रोकने के लिए कौन से इकदाम उठाए गए? देखें सोनम, जो पावर्टी का इम्पैक्ट है वो ओवरऑल जो है हमारी, पहले मैं बोलूँगा इंडिविजुअल आपकी खुद की कैरियर काउंसलिंग पे होता है। क्या पेरेंट्स आपके ऊपर, जो एक बच्चा है या आपका जो एक फैमिली का सोसाइटी के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें माँ बाप होते हैं, बच्चे होते हैं, माँ बाप जो है वो पूरी कोशिश करते हैं अपने बच्चों को एक बेहतर मुस्तकबिल देने की, तो उनकी जो कैरियर काउंसलिंग है
जो बच्चे की एक डेवलपमेंट है वो बचपन से ही इस तरीके से नहीं होती कि वो आगे चल के क्या ग्रो करेगा, ठीक है, वो अपने पेरेंट्स को ही देखता है। अगर एक जो बच्चा है वो किसी मजदूर का बच्चा है, अब उनमें से बहुत से कम, मैंने अपनी लाइफ के अंदर ऐसे लोगों को भी देखा है जो मजदूरों के बच्चे होके ऐसे ऐसे मुकामों पे पहुँचे हैं जो अभी तक जो है एक अच्छी पोजीशंस पे बैठ के अपना नाम जो है और अपने मुल्क को सर्व कर रहे हैं, दोनों चीज़ों को वो बैलेंस लेके चल रहे हैं। तो देखा जाए ओवरऑल कि पावर्टी का जो बेसिक इशू शुरू होता है वो हमारा फैमिली से शुरू होता है, फैमिली के बाद सोसाइटी का रोल। बहुत से ऐसे सोशल एक्टिविस्ट हैं जो इस चीज़ों पे बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, इन ओवरऑल इन चीज़ों को लेके जो है वो गवर्नमेंट और हायर ऑफिशल्स को जो है वो जो एम्पावर कर रहे हैं कि आप इस चीज़ को फोकस करें। लेकिन ये जो एक आवाज़ है ये ओवरऑल हम सबको उठानी पड़ेगी, जिसकी वजह से इसको हम बहुत एक हद तक जो है कम कर सकते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट है और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि उनको जो है बच्चों की काउंसलिंग पे काम करना चाहिए, क्योंकि जो एक जनरेशन का हमारे पास 70 साल से एक आया हुआ है, एक डिफेक्ट आया हुआ है, आप इसको ये बोल दें कि एक इम्पैक्ट जो पड़ा हुआ है, मेजॉरिटी जो आपके इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद और जितने भी ऐसे बड़े बड़े शहर हैं उनके अलावा रूरल डेवलपमेंट में अभी तक वो इतना काम नहीं हो रहा। दूसरी बात ये कि मैं जो हाईलाइट करूँगा पॉलिटिकल पार्टीज़ को, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं हमारे MPAs हैं, MNAs हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो इनमें से मैं कुछ की बात करना चाहता हूँ, लेकिन मेजॉरिटी जो हैं वो सिर्फ अपने कपड़े और अपने जो है शान और शौकत में ही जो है वो पूरे नज़र आते हैं। जो MPA MNA अपने इलाके से इलेक्ट होता है या वो जीतता है तो बहुत ही रेयर, मैं बोलूँगा 4-5% जो होंगे वो MPAs MNAs होंगे जो अपने हलके में जाते हैं, उन हलकों के मसले मसाइल देखते हैं, उन हलके के मसले मसाइल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मेजॉरिटी जो अभी तक इशू रहा है, जो ओवरऑल हमने सर्वे किया है उसके अंदर सिर्फ यही देखा जा रहा है कि मेजॉरिटी या तो कोई कब्ज़ा माफिया है, या कोई किसी को पुलिस के जो है इशू से छुड़ा रहा है, या कोई जो है कोई क्राइम के अंदर जो है कोई फ्यूडल सिस्टम जो है उसको उससे निकाल के अपनी पनाह में रख रहा है। तो फिर भी वो देखा जाए एक नेगेटिव जो है प्रोपेगेंडा या नेगेटिव एक सोच जो है वो डेवलप हो रही है सोसाइटी के अंदर। वही जो एक क्राइम जो है वो अगला बंदा MPA या MNA, ठीक है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं कुछ खास की बात कर रहा हूँ जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं, वो फिर उनके बच्चों पे या पूरे उनकी ज़िंदगी पे एक इफ़ेक्ट पड़ता है कि जब इनको बचाया जा सकता है तो हमें भी बचाया जा सकता है। तो काफ़ी जो लोग हैं वो डाइवर्ट हो जाते हैं और फिर वो क्राइम की तरफ आते हैं, जबकि ये नहीं है कि क्या हो रहा है। अगर मुल्क के लिए एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सिर्फ एक एजेंडा पे आके इकट्ठी होती हैं तो मुल्क सही चलता है, लेकिन अगर सिस्टम के लिए आके वो एक एजेंडा पे खड़ी हो जाएं और सिस्टम को करेक्ट करने की कोशिश करें, जो कि एक बहुत मुश्किल टास्क है इंडिविजुअल के ऊपर कि वो खुद ये करे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, इनमें से सिलेक्टेड हैं लोग जो अभी भी ये चाहते हैं कि सिस्टम सही चले और एक मुल्क जो है जिसमें हमें रहना है, जिसकी वजह से हमारी इज्जत है, हमारी पहचान है, वो एक ऊंचे बुलंद मुकाम पे पहुँचे। अभी भी हम अंडर डेवलप कंट्रीज़ में आते हैं, अभी भी ना हमारे पास हेल्थ एंड एजुकेशन है, ना हमारे पास प्रॉपर सैनिटेशन है, हमारे पास बे इंतहा मिनरल रिसोर्सेज हैं लेकिन उनका प्रॉपर इस्तेमाल नहीं है, एग्रीकल्चर हमारा अभी भी डाउनफॉल में है, वाटर क्राइसिस पे हम अभी भी इशूज़ में आ गए हैं, वाटर क्राइसिस हमारे पास दिन ब दिन पानी का बहरान बढ़ता जा रहा है, पानी का साफ पीने तक आपको मैसर नहीं है, दिन ब दिन लोग मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर आ रहे हैं, टोबैको कंज्यूमिंग, ये सब सोसाइटी की ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो रोकी जा सकती हैं लेकिन आपके और मेरे आंखों के सामने हो रही हैं और लोग इसको कर रहे हैं। तो एक प्रॉपर रूल ऑफ लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, जिसमें कानून की पासदारी एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा कानूनदानों के लिए और जो कानून को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि इस चीज़ को वो सही तरीके से चीज़ों को रोकथाम करें, छोटे से मफाद के लिए किसी का ज़िंदगी या किसी की फ्यूचर ख़राब ना करें, कभी इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर भी पड़ सकता है। एम्प्लॉयमेंट आप इन्वेस्ट करें कैपिटल के ऊपर एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर। थ्रू आउट वर्ल्ड आप देखें कि अभी टेक्नोलॉजी का किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है और किस तरीके से लोगों को रीशेप किया जा रहा है,
थ्रू टेक्नोलॉजी. काफ़ी मिडिल ईस्ट कंट्री हैं वो भी सब इतने एजुकेटेड नहीं हैं जो अपने हालात नहीं सुधार सकते. हम सिर्फ यही कहते हैं कि मिडिल ईस्ट के लोग जो हैं वो रॉयल्टी ओन करते हैं जिसकी वजह से वो इतने अमीर हैं. सब इतने नहीं हैं. वहाँ जो मेजॉरिटी काम होता है वहाँ ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ टेक्नोलॉजी की बेस के ऊपर अपने रिसोर्सेज को अवेल कर रहे हैं. आज का जो टाइम चल रहा है 21st सेंचुरी, इसके अंदर जो है टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल है सोसाइटी के अंदर. जब तक आप टेक्नोलॉजी को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, आप अपनी लाइफ में उसको यूटिलाइज़ नहीं करेंगे और उसको प्रॉपर यूटिलाइज़ करें. हम जो है टेक्नोलॉजी को सिर्फ उस लेवल पे यूज़ कर सकते हैं कि स्नैपचैट या फेसबुक या उसका मिसयूज़ हो रहा है. ये नहीं हो रहा कि हम उसमें किस तरीके से एजुकेशन को हम अवेयर करें, किस तरीके से हम बिज़नेस को उसमें अपनी लाइफ में लाएं. ओवरऑल ये जितनी चीज़ें हैं इनको एक सही प्लेटफॉर्म पे लाके टेक्नोलॉजी का इनटेक हमें बहुत ज़रूरी है. हम रियलाइज़ ये करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम काम करें. अभी भी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़रूरत है. कैपिटल देख लें, आप अपनी बिगेस्ट सिटीज़ देख लें, उसके अंदर अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपका बड़ा रीशेप्ड है. उसको आप जितना शेप में लेते हुए आएंगे, एक जो है अपनी यूथ को कंस्ट्रक्शन के अंदर या ओवरऑल जितनी भी चीज़ें हैं जो एक सोसाइटी को फॉर्म कर रही हैं, ये गलत क्यों थे ये जाम टिकी बड़ा. फाइनेंशियल सेक्टर एक बहुत बड़ा इदारा है जिसको हमें स्ट्रेंथन करना चाहिए. फाइनेंशियल जो सेक्टर है हमें कोशिश करके जितनी भी बाहर से इन्वेस्टमेंट है उनको हमें अट्रैक्ट करना चाहिए. जैसे मैंने आपसे पहले बात की कि मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज़ हैं वो अपनी पूरी जो उनकी फोकस है वो टूरिज़्म पे है. क्या हमारी अभी तक इतनी मार्केटिंग हुई है? यहाँ पे बहुत सी एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत बहुत ज़रूरत है. अगर हम इन चीज़ों को अभी भी अवेल करें, हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, हमारा बलूचिस्तान है, इतनी हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, उसको अगर हम अवेल करें तो हमारे मुल्क के अंदर एक फाइनेंशियल जो एसेट्स जो हैं वो रेवेन्यू की शक्ल में जो दुनिया से आएंगे उसको हम एक प्रॉपर यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और जिसकी वजह से आपकी जॉब एम्प्लॉयमेंट्स पे बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा. आपको जो है जॉब आपकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ेंगी, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, एक हेल्दी एक्टिविटी है और दिन ब दिन आपकी रेवेन्यू भी जनरेट होगी. गवर्नमेंट जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो बहुत इन चीज़ों पे काम कर रही है, इन चीज़ों को रीस्ट्रक्चर कर रही है. ये एक बहुत ही पॉजिटिव इनिशिएटिव है. एक नई गवर्नमेंट है, एक यूथ की गवर्नमेंट है, यूथ ने इसको सेलेक्ट किया है, मेजॉरिटी ने अभी भी एक होप से इनको सेलेक्ट किया है. लेकिन जो सिर्फ होप है वो ही किसी का घर या पेट नहीं पाल सकती, ठीक है. अब गवर्नमेंट को और इंडिविजुअल को दोनों को उस लेवल पे आके एक कोलैबोरेशन के साथ काम करना पड़ेगा. इंडिविजुअल में हर कोई आता है, मैं आता हूँ, आप आती हैं, हमारी सोसाइटी आती है, हमारी पूरी कौम 20 करोड़ आवाम आती है. अगर वो मिलके अपने हालात को ख़ुद बेहतर नहीं कर सकती तो जो है हमारी गवर्नमेंट कब तक इस चीज़ को कवर करे? IMF से लोन या जितनी एशियन डेवलप बैंक से लोन, यही सिर्फ हमारे मुल्क के हालात ठीक नहीं करेंगे. हमें ख़ुद भी अपने किरदारों को, अपने अखलाकों को, अपनी स्ट्रेंथ को जब तक हम ओपन नहीं करेंगे, हम अपने बच्चों को एक प्रॉपर कंसल्टेंसी के साथ ऐसे लोगों के साथ मिलना जो एक बड़ी विजन रखते हैं, उनके साथ मिलके, उनके साथ कोलैबोरेशन के साथ हम एक अच्छी यूथ. मैं बहुत सी जगहों पे जाता हूँ, वहाँ पे मुझे इतना पॉजिटिव एक रिस्पांस मिलता है जब मैं ये देखता हूँ कि यूथ इतनी अब मैच्योर्ड और डेवलप हो गई है कि वो अपनी इन जो कोताहियों हैं उस पर काम कर रही है. तो एक पॉजिटिव इनिशिएटिव है जो ओवरऑल आपकी पॉवर्टी को ही ख़त्म करेगी. हमारा मुल्क जो है वो एक बहुत ही मजबूत मुल्क है, हमें इस मुल्क को एक मजबूती की तरफ ही लेके जाना है, और यही कुछ चीज़ें हैं जिन पे अगर हम काम करें तो हमें इन चीज़ों को सही तरीके से जो है वो रन कर सकते हैं. सर, हमारे नाज़रीन को ये भी बताते चले कि आप क्या समझते हैं किस हद तक ये हमारी यूथ को डिस्ट्रॉय कर रही है? टेक्नोलॉजी जो है वो एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन के थ्रू एक सही तरीका भी है और एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है उसका. मेजॉरिटी आप ये देख लें, ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, मेजॉरिटी हमारी यूथ राउंड अबाउट 60% ऑफ पीपल्स, मैं 60% लोगों को उठाऊँगा,
कि वो टेक्नोलॉजी को किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं. आया दे आर वेस्टिंग देयर टाइम, वो अपना टाइम पूरा जो है वो फेसबुक के सिर्फ एक लाइक के इंतज़ार में पूरा गुजार देते हैं. दे आर मेकिंग देयर वीडियोज़ जिसके अंदर उसका कोई मैसेज नहीं है. अ फैमिली इंटरटेनमेंट इज़ गुड, मैं ये नहीं बोला कि ये चीज़ गलत है, लेकिन हर चीज़ का एक टाइम एक वक्त अच्छा लगता है, लेकिन एक्सेसिव यूज़ ऑफ एवरीथिंग इज़ रॉन्ग. तो मैं टेक्नोलॉजी को ये बोलूँ, मैं पहले टेक्नोलॉजी पे बात करूँ कि टेक्नोलॉजी को वो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करें कि उनकी ग्रूमिंग पे उन इस टेक्नोलॉजी का एक पॉजिटिव इम्पेक्ट आए. सेकेंड थिंग, आप जो है ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स को यूटिलाइज करें, जैसे काफ़ी हमारे पीएचडी स्कॉलर्स हैं जो थ्रू आउट वर्ल्ड पीएचडी करके हमारी कंट्री को सर्व कर रहे हैं, तो ऐसे ऑल ब्यूरोक्रेसी के अंदर हैं. आप पॉलिटिक्स में आएँ, पॉलिटिक्स इज़ अ पॉजिटिव थिंग, इट्स नॉट अ नेगेटिव थिंग. पॉलिटिक्स को अगर आप एक प्रॉपर तरीके से एक इंसानियत के तहत, एक इंसानों की खिदमत खल के तहत आप उसको यूटिलाइज करें तो एक बहुत ही पॉजिटिव थिंग है. एक गांव के अंदर आप कोई अच्छा सा स्कूल, कोई अच्छी सी मस्जिद, कोई अच्छी हॉस्पिटल डिस्पेंसरी, आप अपने सोर्सेज को यूटिलाइज करके उनको आप जो है लोगों को फैसिलिटेट करें. शायद आपसे ही कोई सबक सीख जाए या आपसे ही कोई इम्प्रेस होकर उस चीज़ को आगे जो है ट्रांसफ़र करें और ये चीज़ एक बढ़ती जाए. दूसरी बात ये, हमें अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल करना चाहिए. आजकल ओवरऑल जो जंक है बहुत कॉमन है कि लोग जो है अपनी हेल्थ को नहीं देख रहे कि किस तरीके से हमें अपनी लाइफ को, ज़ाहरी बात है सबके बहुत बिजी शेड्यूल्स हैं, किसी की एजुकेशन का है प्रॉब्लम, किसी की जॉब का प्रॉब्लम है, सो दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्फ. उनको अपनी हेल्थ के लिए मैक्सिमम 3 आवर्स तो उनको देने ही चाहिए कि वो अपनी हेल्थ को एक बैलेंस जो है वो फॉर्म में लाएं. जब तक उनकी सेहत और उनकी जो जिस्म है उनका साथ नहीं देगा, तब तक उनका दिमाग भी कुछ नहीं कर सकता. एक्सेसिव स्लीपिंग एंड एक्सेसिव जो है जागना, ठीक है, अवेकिंग, बोथ आर डेंजरस टू हेल्थ. आप अपनी लाइफ का रूटीन बनाएं. इस्लाम के अंदर नमाज को बहुत एक अच्छा एक्सरसाइज और एक मेंटल एक्टिविटी के तहत जो है उसको यूटिलाइज किया गया. आप नमाज को अपनी लाइफ के अंदर एक अडॉप्ट करें. तो यूथ को मैं यही कहूँगा कि वो एक अपनी हेल्थ को कोशिश करें, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें जिनका उनको ख़ुद पता है कि ये चीज़ गलत है, और पॉजिटिव जो है वो सोसाइटी की तरफ वो इकदाम उठाएं. अपनी चीज़ें ट्रांसफ़र करना सीखें. अगर आपको कुछ नॉलेज है, आपके पास कोई हुनर है, आपके पास कुछ भी ऐसी चीज़ है जो आप समझते हैं कि ये आज मेरी है, कल मैं किसी और को दूंगा तो ये उसके लिए हेल्पफुल हो जाएगी, तो इस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में. बहुत से लोग आपके शागिर्द बन सकते हैं, बहुत से लोगों की इस तरीके से आपकी मदद हो सकती है. ये बहुत सी कॉमन चीज़ें जो हम अपनी लाइफ में कर सकते हैं. कंपटीशन पॉजिटिव भी होता है, कंपटीशन नेगेटिव भी होता है, पर मेजॉरिटी जो कंपटीशन को नेगेटिव ले जाते हैं वो आखिर नेगेटिव ही रह जाते हैं और उनका कोई नाम नहीं रहता. एक उस्ताद ही जो है वो एक शागिर्द को अच्छी राह दिखा सकता है, और वही उस्ताद जो है उसी शागिर्द को एक गलत राह दे सकता है, और वही राह जो है आगे चल के उस उस्ताद का ही नाम करवाती है, और वही जो राह है उसी उस्ताद की बदनामी भी कराती है. आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? तो जिन लोगों के पास अल्लाह ने हर चीज़ दी है, वो जो है कोशिश करके उन लोगों की साइकोलॉजिकली, फिज़िकली, फाइनेंशियली किसी तरीके से भी मदद करें जिनको उन चीज़ों की ज़रूरत है. ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ उसको इन द फॉर्म ऑफ मनी करें, लेकिन सोसाइटी के अंदर आप रह के ऐसे इकदामात उठा सकते हैं जिसकी वजह से किसी गरीब का घर, आपकी वजह से उसका चूल्हा जल सकता है. और दूसरी बात, कोशिश करके बच्चों के ऊपर मेरा बहुत फोकस होता है कि हम अपनी यूथ को एक स्ट्रॉन्ग जो है वो प्लेटफॉर्म देके जाएं. यूथ को आप एम्पावर करें, यूथ को आप स्ट्रेंथन करें, यूथ को आप एजुकेट करें, उनकी हेल्प करें, उनसे सीखें, उनको सिखाएं, और मिलके इस मुल्क को जो है एक सीधी राह पे चलाएं. थैंक यू सर.
ناظرین اسی طرح ہم اپنے شو کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.